Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस lecture में हम class 12th की unit 1 relation and function में से function topic के कुछ solved examples देखेंगे. ठीक है? सबसे पहला question हम देखते हैं. Prove that the function f defined from R to R given by fx is equals to 2x is 1 1 and onto. Okay? तो यहाँ पे हमें क्या given है? कि f एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स R पे डिफाइन है. ठीक है? और उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि fx किसके बराबर होगा? हमेशा 2x के. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा. ठीक है? अब वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की. ओके? किसी भी फंक्शन को हम 1 1 कब कहते हैं? जब fx1 is equals to fx2 से हम प्रूव कर पाएं कि x1 is equals to x2 है. ठीक है? तो हम ले लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर R, सच दैट इन दोनों की इमेजेस, मतलब कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है. ठीक है? अब फंक्शन के डेफिनेशन को यूज करके हम fx1 को क्या लिख सकते हैं? 2x1. और fx2 को क्या लिख सकते हैं? 2x2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है. तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर f इज 1 1. ओके? अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू कब होता है फंक्शन? जब हर वैल्यू जो को डोमेन में, उसके लिए हमें प्री इमेज डोमेन में मिले. ठीक है? तो हम उसके लिए ले लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन. देन चाहे रियल नंबर हम कोई भी कंसीडर कर लें, हमेशा हमें उसका हाफ, ठीक है, यानी कि y बाई टू डोमेन में मिलेगा. ठीक है? तो हम ये लिख सकते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन सच दैट fx इज इक्वल्स टू y. ठीक है? देन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, हमारे पास क्या होगा? वी गेट x इज इक्वल्स टू y बाई टू belongs to R. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, सो देयरफॉर f इज ऑन टू. ओके? तो यही प्रूव करना था हमें कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है. ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें सिर्फ क्या हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, fx इज इक्वल टू 2x, लेकिन हमें ये बोल दिया है कि अब जो फंक्शन है वो n से n पे डिफाइन है. Prove that the function f defined on set of natural number n given by fx is equals to 2x, okay, is 1 1 but not onto. अब देखो यहाँ पे जैसे ही सेट ऑफ चेंज हुआ नंबर्स का, वैसे ही वो onto नहीं बचेगा. वो हम प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे. ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 की. सेम तरीका लेते हैं यहाँ पे कि लेट x1 एंड x2 belongs to domain, मतलब कि set of natural number n, such that fx1 is equals to fx2. ठीक है? अब यहाँ से भी वापस से वही होगा, fx1 है 2x1 और fx2 हो जाएगा 2x2. 2 से 2 कैंसिल होके हम लिख देंगे x1 is equals to x2. तो फिर हमारा फंक्शन कैसा हो गया? 1 1. ओके? अब मुझे बात बताओ ऑन टू के लिए, अब यहाँ पे जो को डोमेन में नंबर्स हैं वो तो सिर्फ क्या हैं? वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं और हर नेचुरल नंबर का हाफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है? तो हम बोल सकते हैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल देके कि एज वन बिलोंग्स टू को डोमेन दैट इज एन, पर इसकी जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी? अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो हम x को क्या लिख सकते हैं? y बाई टू. तो मतलब y की प्री इमेज है y बाई टू. ठीक है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बट 1 बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू. यही मतलब होता है कि अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती तो वो ऑन टू नहीं होता. ओके?
यही प्रूव करना था हमें. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.